नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। हर्ष शुक्ला आदि है टेक्निकल एक्सट्रोड्यूस चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में। जी हां, अगर आप भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपना खोलना चाहते हैं तो अब आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में। पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक आपको आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा kotak811.com का। उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा पहले, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एक यहाँ पे डाल देना है, फिर अपने एरिया का आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओपन नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल डाल के अब हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। हम जो ईमेल आईडी डाले थे उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालेंगे, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा तुरंत और फिर हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाता है। यहाँ पे पैन नंबर में, यहाँ पे पैन जो लिखा है यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और जो आधार नंबर है इस पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे पूरा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है। आपको बता दें अभी तो वीडियो को लाइक नहीं है, प्लीज लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक कर थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाना मजा आता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन पे टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोसीड वेरीफाई करते ही हमारे सामने इस तरह से हमारा पैन कार्ड का डिटेल दिखा देता है। यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये पैन कार्ड की डिटेल आपका ही है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, कुछ इस तरह से नाम आएगा, आपको चेक करना होगा कि सही है। अगर सही है तो फिर आगे हम प्रोसीड कर देंगे, अगर कोई गलत हुआ है तो एडिट करके दोबारा अपना पैन नंबर डालेंगे। अब जैसे प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने दूसरा पेज आ जाता है। यहाँ पे हमारे आधार से लिंकड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और वो ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये दूसरा पेज खुल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे आधार कार्ड में जो भी नाम था, डेट ऑफ बर्थ था, जेंडर था, वो यहाँ पे दिखा देता है फोटो के साथ में। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा ही फोटो है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हम काम धंधा क्या करते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, प्रोफेशनल हैं, होममेकर हैं, जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अपना जो है इनकम डालना है, तो यहाँ पे आपका इनकम कहाँ से है जो है मेजर इनकम, फैमिली इनकम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अपना सही सही डिटेल सिलेक्ट करना है। ये डिटेल हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो मंथली आपका इनकम होगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, आपको सही डिटेल डालना होगा। यहाँ पे हम मंथली इनकम डालने के बाद में नीचे आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है कि सिंगल है या मैरिड है। अपना फादर का, पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे मदर का नाम डालना है। यहाँ पर सिंपली अपने मदर का नाम डालने के बाद में, माता का नाम डालने के बाद वही नाम हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, कंफर्म दोबारा से नाम डालेंगे और उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारे सामने दूसरा पेज खुल के आ जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा जो है कम्युनिकेशन एड्रेस दिखा देता है जो हमारे आधार कार्ड में था। अब यहाँ पे हम वही एड्रेस अपने जो है अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं पासबुक में, तो यहाँ पे हम इसे टिक करेंगे और ऑटोमेटिक नीचे एड्रेस डल जाएगा। अगर दूसरा एड्रेस रखना चाहते हैं तो मैनुअली आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं वही एड्रेस डाल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ और अब यहाँ पे ऐड ए नॉमिनी का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे नॉमिनी आप जिसे भी रखना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप नाम डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप रिलेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप से रिलेशन क्या है जिसका आपने नॉमिनी में नाम रखा हुआ है। यहाँ पे मैं हस्बैंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जिसका भी नॉमिनी आपने रखा है, नाम दिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस, जो आधार कार्ड में आपके एड्रेस है, जो आपने एड्रेस दिया है वही एड्रेस, अगर सेम एड्रेस है नॉमिनी का तो यहाँ पे आप सेम एस योर एड्रेस इसे ओपन कर देंगे और ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करते ही हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आपको
जो है ये डिटेल यहाँ पे आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, ये पढ़ना जरूरी है। मैं ऑलरेडी पढ़ा हूँ, तो उसके बाद पढ़ने के बाद आपको इन सभी पे टेक करना होगा, मतलब कि आपको यहाँ पे एग्री करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू एम पिन पर क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पे जैसे कि लिखा है एम पिन, तो एम पिन बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए अकाउंट जो है ओपन हो गया है, लेकिन अभी हमें अपने मर्जी से एक 6 डिजिट का एम पिन बना लेना है, सॉरी, और फिर कंफर्म कर देना है। और कंफर्म एम पिन पर क्लिक करते हैं और ये पिन हमारा जो है वो कंफर्म हो जाता है, हमने पिन बना लिया है। अब यहाँ पे एम पिन सेट सक्सेस फुली का ऑप्शन मैसेज आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से दूसरा आ जाता है। अब अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड भी आप लेना चाहते हैं, अपने घर पे एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। और इसके लिए आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है, एटीएम जो फिजिकल एटीएम कार्ड है इसके लिए अलग अलग चार्ज होते हैं। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं और मुझे जो है चाहिए फिजिकल डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड हमारे एड्रेस पे आ जाए, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे जो इसमें फैसिलिटी है वो दिखा देता है, और इसका जो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा वो भी यहाँ पे दिखा देता है, जैसे कि 299 रुपए पर ईयर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, मतलब ये आपके अकाउंट से जब आपके अकाउंट में पैसे होगा तो इतना काटेगा एक साल का, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 तरह के एटीएम कार्ड है, सभी का अलग अलग रेट है एक तरह से, तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम यस कर देते हैं कि हमारे एटीएम का पिन भी जो हमारा ये पिन है वही पिन रहेगा, यस कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन स्किप कर देते हैं यहाँ, और फाइनली यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट योर फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्रेडिट कार्ड अभी नहीं क्लेम करूंगा, अभी नहीं चाहिए मुझे, मैंने अकाउंट ओपन किया 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ इसे। और फिर हमारे स्क्रीन पे आ जाता है योर 811 अकाउंट नाउ रेडी। तो हमारा अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है, ओपन हो चुका है, अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल हमें कैसे है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगले ऑप्शन में यहाँ पे हमारा जो है CRN नंबर मिल चुका है, अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर मुझे मिल चुका है, IFSC कोड हमारे ब्रांच का क्या है वो यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे UPI हैंडल भी मुझे मिल चुका है। आपको बता दूं कि ये जो खाता ऑनलाइन खोलते हैं ये आपके मेन ब्रांच में खुल जाता है, आप बाद में इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने नजदीकी ब्रांच में। अब यहाँ पे KYC करना है, तो जैसे मैं KYC पर आपको KYC कंप्लीट करना होगा, वीडियो KYC, इसके लिए आप यहाँ पे कंप्लीट फुल KYC पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। आपको बता दूं यहाँ पे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होगा वीडियो KYC करने के लिए, और आप एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर अपना कर लेंगे, वो आप अपने पास रखेंगे वीडियो KYC शुरू करने से पहले, ठीक है। तो ये आप दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एक तो आपका जो है सिग्नेचर और आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, और फिर आपका एक सेल्फी वो वीडियो KYC में ही ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो KYC। जैसे इस पे प्रोसीड करेंगे आपके जो है इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आपको कन्फर्म करना है और उसके बाद में यहाँ पे हम प्रोसीड विथ आधार एड्रेस के साथ हम KYC शुरू करते हैं, प्रोसीड विथ आधार एड्रेस यहाँ पे है, और उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा से हमारा वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाएगी, एक तरह से वीडियो कॉलिंग ही होते हैं, और सामने वाले हमसे वहाँ पे जो वीडियो KYC करवाते हैं वो सामने हमारे वो एक तो हमसे परमिशन लेंगे कि आपकी जो हम अभी एक फोटो क्लिक कर रहे हैं यानी स्क्रीनशॉट सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा कहेंगे कि आप हमें अपना जो है ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए, तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा देना है, आपसे वो नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस कंफर्म करेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, यही चीजें। उसके बाद में पैन कार्ड मांगेंगे, वो आपको दिखा देना है, आपसे बोलेंगे कि आप अपना सिग्नेचर दिखाइए, तो आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके रखना है, स्क्रीन पर कर देना है कि ये हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। और ये करते ही आपका वीडियो KYC डन हो जाएगा। अब आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो है पासबुक, ATM कार्ड और चेकबुक अगर आप लेना चाहें तो ये सारी चीजें आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट आ जाएगी, और फिर आप अपना जो है अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। एक बार KYC कंप्लीट होने के बाद में, फुल अकाउंट ओपन होने के बाद में, KYC कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉग इन पर क्लिक करना है,
यस सेंड सिक्योर एसएमएस नाउ पर क्लिक करना है दो बार, और उसके बाद यहाँ अलाउ कर देना है। आपका मोबाइल नंबर उसी फोन में लगा होना चाहिए ये करते समय। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से आप अपना अकाउंट इसमें लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे हम गोइट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सीआरएन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, पिन डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है अपना फिंगर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, फिंगर से इसे लॉगिन करेंगे। अभी हम नो कर लेते हैं, यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है अपने कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग ऐप में अपना अकाउंट। तो इस तरह से हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम बैलेंस वगैरह अपना चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर ये वो सब कुछ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्या एक एक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा, देख ही सकते हो आप कितने सारे ऑप्शन इसमें है। तो इस तरह से ऊपर तो यहाँ पे व्यू बैलेंस पर क्लिक करें, बैलेंस अकाउंट नंबर इधर राइट लेफ्ट साइड में दिखी जाता है, यहाँ बाकी डिटेल आ जाती है। तो इस तरह से अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो आप अपने अकाउंट में। वैसे अगर जमा कराने की बात है तो अभी आप किसी अकाउंट से ट्रांसफर कराएंगे या फिर ब्रांच में जाके भी जमा कर सकते हैं अपने खाते में। जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई लिमिट तो है नहीं कि कितना आपको कम से कम रखना है, लेकिन ज्यादा ज्यादा रखने की लिमिट होती है इसमें, ज्यादा पैसे नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही अपना जो है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपका कोई सवाल सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।